कहानी सुनाओ ना सुपरमैन की। सुपरमैन की नहीं, आज मैं तुम दोनों को उससे भी अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सुपर किसान की। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। धूप में पसीना बहाकर अपना सारा खेत वो अपने हाथों से जोतता था। पता है, जब सूरज सर पे चढ़ जाता था तब तपती जमीन पैरों के नीचे होती थी। फिर भूखा प्यासा किसान चिंतित होकर पेड़ की ठंडी छांव में अपनी रूखी सूखी रोटी खाता था और फिर से जुट जाता था अपने खेत में। पर उसको कभी उसकी मेहनत का फल नहीं मिला। बेजान और हल्की सी उपज देखकर वो बड़ा परेशान हो जाता था। फिर उस किसान को एक सच्चा दोस्त मिला। जय किसान। कौन? जय किसान। उसने किसान को एक बढ़िया खेती करने का राज बताया, जुआरी एग्री लैब। वहां उसे कृषि संबंधी हर समस्या का ज्ञान मिला, जैसे मिट्टी की जांच, उसके उर्वरकता की जानकारी, उसकी कमियां, और उसके अनुसार कौन सा खाद सही होगा ताकि उपज बढ़िया मिले, इसका पता चला। फिर पता है क्या, उसका दोस्त उसे एक पार्क लेके गया। पार्क, जुआरी एग्री पार्क। वहां उसने उसे हर खाद के उपयोग का प्रदर्शन दिखाया, जैसे टिपक सिंचन। वहां उसमें ऐसी खाद का प्रयोग होता है जो पानी में आसानी से घुल सके। फिर उसे एक पाइप के जरिए खेत में छोड़ा गया ताकि वो पाइप के छोटे छोटे छेदों से धीरे धीरे पूरे खेत में टपक सके, जिससे एक समान सा खाद सारे पौधों को मिल सके। उस दोस्त ने और एक तरीका दिखाया, फॉलियर स्प्रे। टंकी में खाद को पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। पर ऐसा क्यों? अरे बुद्धू, इससे मेहनत कम और काम आसान और पैसों की बचत भी। फिर उस दोस्त ने किसान को दिखाई एक ऐसी जगह जिसे शेड नेट कहते हैं, जहां हर किस्म के पौधे अनुकूल वातावरण में बढ़ते हैं। किसान ने और एक गजब की जगह देखी, पॉली हाउस, मानो एक बड़ा सा मंडप। यहां तरह तरह के पौधे लगाकर उन्हें कड़ी धूप से बचाकर उन पर पानी के फवारे छोड़े थे। ये देखकर किसान बड़ा चकित हुआ। इतना ही नहीं, वो दोस्त उसे ले गया जुआरी डीलर की एक बड़ी सी दुकान दिखाने, जहां जय किसान के कई खादों का उसे ज्ञान मिला। और इसी तरह से किसान ने खेती करनी शुरू की। मशीनों के सहारे उसने पूरा अपना खेत कुछ ही घंटों में जोत दिया और जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए उसे सही पोषण भी दिया। उत्तम पौधे लगाए गए। दोस्त के बताए गए तरीके किसान ने दिल से अपनाए। धीरे धीरे उसका खेत खुशी से नाचने लगा। फिर वक्त आया कटाई का। किसान बड़ा खुश हुआ, आखिर उसे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। फिर उसके पास आई एक नई गाड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे ये काम जा रहा है। ये कहानी तो आपकी है ना पापा। हर फसल की मुस्कान जय किसान।